आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। 3 अगस्त को रक्षाबंधन त्यौहार है। त्यौहार को लेकर मिठाई विक्रेताओं ने खासी तैयारियां की हैं। कोरोना वायरस के चलते मिनी लॉकडाउन में प्रदेश भर में शनिवार रविवार को 2 दिन बंद रहता है। मिष्ठान विक्रेताओं ने शासन से त्यौहार को देखते हुए रविवार 2 अगस्त को मिठाई की दुकान शोरूम खोलने की मांग की है। 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। त्यौहार को लेकर मिठाई विक्रेताओं ने खासा तैयारियां की हुई हैं। कोरोना वायरस के चलते मिनी लॉकडाउन में प्रदेश शनिवार और रविवार को बंद रहता है। मिष्ठान विक्रेताओं ने शासन को त्यौहार को देखते हुए रविवार यानी 2 अगस्त को मिठाई की दुकान और शोरूम खोलने की मांग की है। हम प्रशासन करते हैं कि लगातार लॉकडाउन चला आ रहा है और हम लोग मिठाई वालों का बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ चला आ रहा है, और हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि प्रशासन के 2 दिन की हमें छूट देने की कृपा करें। इसलिए हम चाहते हैं कि त्यौहार अच्छी तरह से हो जाए। 1 दिन के अंदर कोई भी काम पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। हमारी स्थिति ये है। फ्लेवर की वैरायटी तो वही है, पहले वैरायटी तो मन ही मतलब वही बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है। डिमांड तो बहुत कम ही है, पर लेकिन उसके भी कि मतलब 1 दिन के लिए हमें इस तरह की 2 दिन की छूट मिल जाए, 1-2 दिन के लिए ज्यादा तो ज्यादा स्थिति अच्छी हो जाए थोड़ी सी। कोठी मीना बाजार के पास मिष्ठान का शोरूम एवं रेस्टोरेंट चलाने वाले दिलीप खंडेलवाल ने बताया कि व्यापार की दृष्टि से रक्षाबंधन त्यौहार काफी अहम होता है। अगर रविवार को बाजार खुलता है तो काफी अच्छा रहेगा। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।